गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू दी कर्णावती हाई स्कूल विराटनगर अहमदाबाद। सो बच्चों, आज हम आपके स्टैंडर्ड 10th यूनिट 6 जो है, जिसका नाम रखा गया है आई लव यू टीचर, ये चैप्टर बच्चों और मेरे ख्याल से और शायद ही कोई ऐसा होगा जो हेलन केलर को नहीं जानता होगा, क्योंकि हेलन केलर वो पहली महिला थी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है वो अंधा और बहरा होने के बावजूद भी उन्होंने प्राप्त किया था। और इसके पीछे उनका, अंधा और बहरा व्यक्ति अगर कुछ सीखता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा उसको सिखाने वाले को योगदान माना जाता है। तो उसी प्रकार से हेलन केलर भी बहरी थी, जिससे बोलना स्वाभाविक सी बात है, जो बहरा होगा वो बोल नहीं सकता है क्योंकि उसने कभी कोई शब्द सुने नहीं होंगे, जिसके कारण वो बोल भी नहीं सकता है। तो बच्चों, हेलन भी एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही बहरी थी। बहरी होने के वजह से वो कभी कुछ बोल नहीं सकती थी और अंधी तो थी ही, तो उनके माता पिता बहुत चिंतित हुआ करते थे कि भाई लड़की जात है और ऊपर से ऐसी प्रॉब्लम्स है, किसी के भी बच्चे अगर ऐसे होंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है चिंता करेगा। तो उसके माता पिता बच्चों एक दिन एक टीचर जो उसके लिए, हेलन केलर के लिए, मिस सोलेवान को खोजते हैं, जो हेलन केलर को पढ़ाती हैं, अपने ढंग से पढ़ाती हूँ, आपको स्टोरी में मैं आगे बताऊंगा। और किस प्रकार से मिस सोलेवान के आने के बाद हेलन की लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाती है और आगे वो किस तरह से अपना नाम रोशन करती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, इसके पीछे वो श्रेय जो है उसकी टीचर का रहता है कि उन्होंने ही उसको आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जिसकी वजह से उसके मुँह से ये वर्ड निकल जाते हैं आई लव यू टीचर, कि टीचर मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी बच्चों आई लव यू टीचर रखा गया है। सो देर ना करते हुए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हेलन केलर बिकम डीफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वाज वेरी यंग। ऐसा बताया जा रहा है कि हेलन केलर जो है बहुत ही कम उम्र में, छोटी थी, बहुत छोटी थी, तभी से वो, लिखा है डीफ ब्लाइंड, डीफ यानी बहरा, ब्लाइंड यानी अंधा वो थी। सिंस शी वॉज डीफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक, वो बहरी थी इसी के कारणवश, लिखा है बच्चों देखिएगा, सी डिड नॉट लर्न टू स्पीक, जो बहरा आदमी है वो कभी सुन नहीं पाएगा, जिसके वजह से वो लर्न, सीख नहीं पाएगा बोलना। कोई बच्चा हो वो बचपन से माँ शब्द अगर सुना ही ना हो तो माँ कभी बोल ही नहीं सकता है ना, वही बात यहाँ पे बताया गया है कि सिंस सी वॉज डीप सी डिड नॉट लर्न टू स्पीक, जिसके वजह से वो कभी बोल ना सीख नहीं पाई। सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड, जिस वजह से उसके माता पिता जो है बहुत ही चिंतित रहते थे। देन दे फाउंड मिस सोलेवान, वे तब वे
मिस सुलिवान को खोजते हैं। अ टीचर फॉर द डीफ एंड ब्लाइंड, जो कैसे बच्चों की टीचर थी, डीफ एंड ब्लाइंड, अंधे और बहरे बच्चों की शिक्षिका थी। दैट चेंज्ड हेलेंस लाइफ, वह हेलन की लाइफ को बदल देती हैं। हेयर इज एन अकाउंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ इन हर ओन वर्ड्स। यहाँ पे हेलन के द्वारा उसके जिंदगी के बदलाव जो है खुद उनके अपने शब्दों में बताए गए हैं। हेलन ने खुद कहा है, उसको सच्ची घटना है ये बच्चों, तो हेलन केलर के द्वारा खुद बताई गई है किस प्रकार से संघर्ष से वो आगे निकली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। मैं वो 1887 की सुबह कभी भूल नहीं सकती। आई वॉज जस्ट 7 ईयर्स ऑफ एज देन, जिस समय मेरी उम्र जो है सिर्फ 7 साल थी। दैट डे, वह डे मतलब दैट डे, सॉरी, आई वॉज जस्ट 7 ईयर ऑफ एज देन, उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल की थी। माई टीचर एनी सुलिवान केम टू आवर हाउस दैट डे, वो सुबह इसलिए नहीं भूल सकती है क्योंकि वह 7 साल की थी और उस दिन उसके घर मिस सुलिवान जो है, टीचर जो है उसकी, उसके घर पर आई थी। इसलिए वो बता रही है कि वो 1887 की जो सुबह है उसे कभी नहीं भूल सकती है। नेक्स्ट डे सी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डोल, अगले दिन वह मुझे रूम में ले जाती हैं और गेव मी ए डोल, मुझे एक गुड़िया देती हैं। आई प्लेड विथ इट फॉर ए वाइल, आई प्लेड, मैं उसके साथ उस देर तक खेलती हूँ। देन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूमेंट्स ऑन माई पाम, पाम यानी हथेली होता है, मूमेंट्स यानी महसूस, फिंगर यानी उंगलियों से यहाँ बता रही है। देन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूमेंट्स ऑन माई पाम, मिस सुलिवान जो है अपने अपने उंगलियों से मेरे हथेली पर कुछ मूमेंट्स कर रही थी, हलन चलन कर रही थी। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, यह जो है एक अद्भुत अनुभव था, अनोखा अनुभव था। I got interested in that play and started imitating नहीं होता है, अनुसरण या नकल जो बोल सकते हो, the movements she made with her finger। बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि I got interested, मुझे उसमें दिलचस्पी आने लगी, इन दैट प्ले उस खेल में, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, इमिटिंग नकल करना, द मूमेंट सी मेड विथ हर फिंगर, जो उन्होंने मेरे फिंगर पे बनाया था उसी प्रकार से मैंने नकल करना शुरू किया। व्हेन आई फाइनली सक्सीड इन डूइंग दैट करेक्टली, और अंत में मैंने वो करना सीख लिया। ठीक है, अब देखिए,
आई फाइनली सक्सीड इन डूइंग दैट करेक्टली, और अंत में मैंने वो सही से कर लिया। आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं खुश थी। आई डिड नॉट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग डॉल, और मैं ये नहीं जानती थी दैट आई वॉज स्पेलिंग डॉल कि वह डॉल की स्पेलिंग है डी ओ एल एल। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। वी वर वॉकिंग इन आवर गार्डन, यहाँ पे बता रहे हैं कुछ दिनों बाद वी वर वॉकिंग इन आवर गार्डन, कुछ दिनों बाद हम जो है अपने गार्डन में टहल रहे थे। सडनली माई टीचर पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप, तभी मेरी टीचर जो है वो मेरे हाथ को क्या लिख रहे हैं आप, पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप, मेरे हाथ को तुरंत पानी की जो नल होता है उसके नीचे कर दिया। एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रन ओवर हैंड, और ठंडा पानी जो है मेरे हाथों से बह रहा था। सी स्पेल्ट डब्ल्यू ए टी ई आर ऑन माई अदर पाम, और पहले की तरह फिर वो मेरे दूसरे हाथ पर, एक हाथ पे तो पानी था दूसरे हाथ पर क्या बोल रहे हैं कि हैंड सी स्पेल्ट वाटर ऑन माई पाम, दूसरे हाथ पर वाटर की स्पेलिंग उसी तरह से फिंगर से मूवमेंट करने लगी। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी प्लेड दिस गेम एवरी डे, हम यह खेल प्रतिदिन खेलते थे। टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग जो वस्तुएं होती थी उनको छू करके। इट अवेकेंड माई सॉल, जिसने अवेकेंड माई सॉल, देखिए बच्चों क्या बता रहा है, जिससे मैं और मेरी आत्मा जो है जागृत हो गई थी, जगाकर रख दिया था। अब आगे देखो, आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड ए नेम, आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड ए नेम, इतना तो मतलब उसको आभास हो गया था। आई केम टू नो दैट, अब मुझे एवरीथिंग हैड ए नेम, मतलब धीरे धीरे उसको नाम पता चलने लग गए थे। नाउ इच नेम गेव बर्थ टू ए न्यू थॉट, एवरी ऑब्जेक्ट आई टच्ड सीम टू थ्रोब विथ लाइफ, मतलब सभी चीज़ों को महसूस करना, यहाँ पे बच्चों बता रहा है कि इन चीज़ों से बता रही है कि I came to know everything had a name, मुझे ऐसा लगने लगा कि सभी जो चीज़ें हैं सभी का कुछ ना कुछ नाम है। Now each name gave birth to a new thought, जिसके वजह से मेरे अंदर नए विचार जो है जन्म लेने लगे। Every object I touched seemed to throb with life, आहा, मतलब सभी चीज़ों को छूने से क्या होता है, थ्रोब यानी धड़कना कांपना, मतलब एक महसूस सा होता है। आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स, और धीरे धीरे मैं दुनिया के सभी शब्दों से क्या होने लगी, कनेक्ट होने लगी, जुड़ने लगी, मतलब उसको बोलने आने लगा, धीरे धीरे सीखने लगी वो। मिस सुलिवान
यूज्ड टू टेक मी टू लॉन्ग वॉक्स एवरी मॉर्निंग। वो ऐसा बता रही है कि उसकी टीचर मिस सुलेमान और वो सुबह सुबह लंबी दूरी तक यात्रा मतलब टहलते थे, वॉकिंग करते थे। आई हैड ए लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न करती थी। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर पाम एंड इन टर्न सी वुड टॉक इन टू माई पाम एज पीपल टॉक इन टू अ बेबी ईयर। आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क, देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी तो इसको क्या बता रहा है। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर पाम, और कुछ मैं उनके हाथ पर वो राइट करती थी, लिखती थी जैसे फिंगर से लिखते हैं। इन टर्न सी वुड टॉक इन टू माई पाम, और उसके प्रति उत्तर में वो मेरे हाथ पर लिखती थी। टर्न सी वुड टॉक इन माई पाम, पीपल टॉक इन टू अ बेबी ईयर। कभी कभी वो क्या बोलते रही हैं, सभी लोग मतलब कानों में बोलते हैं, वो मेरे हाथों पर बोल के बताती थी। माई टीचर्स सेटिफाइज माई क्यूरियोसिटी, मेरी उत्सुकता को देखकर वो मतलब खुश थी, सेटिस्फाइड संतुष्ट थी। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय। अब जाके ऐसा बता रही है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास चारों तरफ प्रेम और आनंद ही आनंद भरा हुआ है। उसकी जिंदगी में ऐसा लग रहा था। द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज मोर डिफिकल्ट, जो दूसरा स्टेप था उसको सीखना बहुत ही कठिन था, ऐसा हेलन केलर अपनी बातों में बता रही हैं। इट वॉज ऑल्सो बेस्ट ऑन द सेंस ऑफ टच, जो है सेंस ऑफ टच यानी हमारी स्मृति जो होती है ना बेचा, उसको टच करके पता करना होता। मिस सुलेमान वुड स्पीक ए वर्ड, मिस सुलेमान जो है कुछ वर्ड जो है बोलती थी। एंड आस्क मी टू टच हर लिप्स एंड थ्रोट स्लोली, वो बोलती थी अपने गर्दन को, अपने लिप्स को, अपने थ्रोट से स्लोली स्लोली क्या करो, टच करो। आई लर्न टू स्पीक थ्रोट द मोमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट, क्या देखिए क्या बोल रहा है। आई थ्रोट द मोमेंट्स ऑफ द लिप्स, मतलब वो अपने गर्दन को गले थ्रोट जो होता है, जो गले का भाग, उसको अपने लिप्स से जब टच कराती थी तो वाइब्रेशन सा होता था, कंपन होता था। व्हेन आई अटियर्ड माय फर्स्ट वर्ड, तब आई अटियर्ड माय फर्स्ट वर्ड, मैंने अपना पहला वर्ड बोला। इट गेव मी अ बाउंडलेस डिलाइट, जिससे मुझे असीम आनंद प्राप्त हुआ, खुशी प्राप्त हुई। नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माय टॉयज, अब धीरे धीरे मैं अपने खिलौनों के साथ बोलना चालू कर दी। किससे, कैसे कैसे खिलौने के साथ, स्टोन्स ट्रीज एंड बर्ड्स इन द गार्डन, जैसे पत्थर ब्रिक्स और जो पक्षियाँ होती हैं बगीचे में, उन सबसे बातचीत करना शुरू कर दी। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रन टू मी व्हेन, देखिए बच्चों, आई फेल्ट अमेज्ड, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होता था। एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर, और मैं जब अपने बहन को बुलाती थी वो आ जाती थी।
एंड माई डॉग अवॉइड माई कमांड्स, और मेरा जो डॉग है वो मेरा कहना मानने लगा था। आई वॉज एबल टू स्पीक, मुझे बोलने आने लगा था। इट वॉज अ मिरेकल, यह एक जादू से कम नहीं था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां तक हम रखते हैं। अब सेकंड वीडियो में दूसरा पार्ट देखेंगे। थैंक यू।